नमस्कार, मैं हूं निशा। आज है 25 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। तारकिशोर ने कहा, नीतीश ने जनादेश का गला घोटा। बिहार में चलेगा महिला सशक्तिकरण अभियान, दी जाएगी ट्रेनिंग। लालू यादव को मिली राहत, कोर्ट ने किया बरी। आफरीदी ने की भविष्यवाणी, बताया कि भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में कौन जीतेगा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन आर्मी ने TES 48 कोर्स के लिए निकाली अधिसूचना। इंडियन आर्मी ने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम TES 48 कोर्स के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके लिए कुल मिलाकर 90 रिक्त स्थान हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, PCM स्ट्रीम में 10+2 विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ पास होने के साथ साथ JEE मेन्स एग्जाम 2022 में भाग लिया हो। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस नोटिस से जुड़ी समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन के लिए इस वीडियो के इसी पेज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर के क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 22 सितंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। बीते दिन बिहार विधानसभा में 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हुआ। सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार का फ्लो टेस्ट हुआ। बिहार की नई सरकार ने विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। इस दौरान विपक्ष यानी भाजपा ने सदन से वॉकआउट कर लिया। बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब नए स्पीकर का चुनाव के लिए विशेष सत्र का 1 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। सत्र 26 अगस्त तक चलेगा। आपको बता दें कि नए स्पीकर के चुनाव के लिए 25 अगस्त को नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। मालूम हो कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र 24 और 25 अगस्त को बुलाया गया था, लेकिन अब यह विशेष सत्र 26 अगस्त तक चलेगा। नवंबर में हो सकती है वुमेन मिलिट्री पुलिस की लिखित परीक्षा। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की बहाली के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। इस बीच मुजफ्फरपुर भर्ती बोर्ड के अधीन बिहार के 8 जिलों के हर दिन अग्निवीरों पुलिस के लिए औसतन 700 से 800 ऑनलाइन आवेदन आ रहे हैं। वहीं मीडिया में चली खबरों की माने तो वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए सेना भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा की संभावित तिथि नवंबर 2022 और जनवरी 2023 कही जा रही है। बताया जा रहा है कि शारीरिक दक्षता जाँच, मेडिकल और शैक्षणिक और आवासीय प्रमाण पत्र की जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे क्रांति प्रकाश झा की। क्रांति प्रकाश झा एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व, व्यवसायी और मॉडल हैं। क्रांति प्रकाश झा साल 2016 में आई फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में संतोष लाल की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। क्रांति प्रकाश झा का जन्म 2 नवंबर 1988 को बिहार के बेगूसराय में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बिहार के पूर्णिया से की है। उनके पिता नौकर शाह थे और पूर्णिया के RDDE के पद पर तैनात थे। क्रांति ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों से की थी। उन्होंने कई टेलीविजन विज्ञापनों के लिए भी काम किया, साथ ही संगीत के वीडियो में भी अपना अभिनय को दिखाया है। उन्होंने पुरस्कार विजेता मैथिली फिल्म मिथिला मखान में मुख्य भूमिका में शुरुआत की और भोजपुरी फिल्मों में देसवा और वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार में मुख्य भूमिका निभाया है। फल्गु नदी प्रदूषण मामले में पटना हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। फल्गु नदी प्रदूषित होने के मामले पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि कोर्ट में कल इस मामले को लेकर के टाल दिया गया था। कोर्ट को ये बताया गया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम 3 महीने में पूरा हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने निर्माण कंपनी को इस संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। बता दें कि पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने बुड़को से ये कहा था कि यदि वो चुनिंदा कंपनी के काम करने से संतुष्ट नहीं है तो अग्रीमेंट में प्रक्रिया जल्द पूरी करे और ये चेतावनी दी थी कि बुड़को के MD के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। ऐतिहासिक महत्व वाले इस नदी को प्रदूषित होने से रोकने का प्रयास हो रहा है। इस मामले में आज सुनवाई होगी।
तारकिशोर ने कहा, नीतीश ने जनादेश का गला घोटा। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहसबाजी हुई। इसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर खूब आरोप लगाए और कहा कि नीतीश कुमार ने जनादेश का गला घोटा है। उन्होंने कहा कि जनता ने 2020 में भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाने के लिए जनादेश दिया था, पर नीतीश कुमार ने सबको धोखा देकर राजद के साथ महागठबंधन करके सरकार बना ली और उनके इस कदम से बिहार की जनता अब उनको कभी माफ नहीं करेगी। बिहार में चलेगा महिला सशक्तिकरण अभियान, दी जाएगी ट्रेनिंग। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए राज्य सरकार ने एक पहल किया है। महिलाओं और किशोरियों के विरुद्ध लैंगिक अपराध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंटरनेट और मोबाइल फोन का प्रयोग अपराधी करते हैं। इसको देखते हुए इसका निवारण करने के लिए सरकार के द्वारा जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण सभा का आयोजन किया जा रहा है। राज्य में पीड़ित महिलाओं को मदद पहुँचाने के लिए कोशिश की जा रही है। इसके लिए राज्य के 500 थाने को चिन्हित कर महिला हेल्प की स्थापना भी करवाई जा रही है और जल्द ही महिला गश्ती वैन का गठन भी होगा। सीबीआई रेड पर सदन में बोले तेजस्वी, मॉल हमारा नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई छापेमारी पर सदन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गुरुग्राम के अर्बन क्यूर मॉल में छापेमारी हो रही है, ये जांच एजेंसी ऐसा है जो मेरा नहीं है उसी की जांच कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उस मॉल का उद्घाटन तो बीजेपी के सांसद ने ही किया था। आगे उन्होंने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है और बेबुनियाद आरोप लगा करके मेरी छवि को खराब करने की साजिश की जा रही है। अगर भाजपा के साथ हाथ मिला लीजिए तो ठीक है, नहीं तो आपको फंसा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने लोकहित में महागठबंधन के साथ आने का फैसला लिया और नीतीश कुमार जैसा हिम्मत कोई नहीं दिखाता। हिम्मत दिखाने के कारण ही आज मेरा पूरा परिवार परेशानी झेल रहा है। नेता प्रतिपक्ष बने सम्राट चौधरी। बिहार में बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानमंडल के नेता चुने गए हैं, तो वहीं विधान परिषद में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को चुना गया है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लेटर जारी करके बताया कि भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति के साथ ये फैसला लिया गया है कि विजय कुमार सिन्हा को भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया है और इसके साथ ही सम्राट चौधरी को बिहार विधान परिषद का नेता चुना गया है। इस वजह से बेहद खास है शिवहर की देवकुली शिव मंदिर। शिवहर जिले के लोक आस्था का केंद्र बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर अति प्राचीन है। देवकुली शिव मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ था और एक ही पत्थर को तराश कर ये मंदिर बनाया गया था। 1956 में प्रकाशित अंग्रेजी गजट में नेपाल के पशुपतिनाथ और भारत के हरिहर क्षेत्र के मध्य में इस मंदिर के होने की बात कही गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट के एक फैसले में भी इस मंदिर के अति प्राचीन होने की बात कही गई थी। ग्रामीणों की माने तो इस इंडिया कंपनी के चौकीदार रशीद पर भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। मंदिर के पश्चिम भाग में एक तालाब है जिसकी खुदाई करीब 1962 के छोतनी गांव निवासी संत प्रेम भिशु ने करवाई थी। इस खुदाई में द्वापर काल की कई दुर्लभ धातु की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। लालू यादव को मिली कोर्ट से राहत, हुए बरी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार को सुरक्षा के बीच आदर्श चुनाव आचार संहिता मामले में हाजीपुर कोर्ट में पेश हुए थे। वहीं इस पेशी के दौरान लालू ने खुद को निर्दोष बताया था। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने लालू को बरी करने का आदेश जारी किया। लालू प्रसाद यादव की कोर्ट में पेशी के दौरान भारी संख्या में राजद के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि लालू यादव पर थाने के एक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बुधवार को 27 अप्रैल को आरोप गठित किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने लालू यादव को बरी कर राजद को एक बड़ी राहत दी है। डीजीपी ने कहा, योग्यता के अनुसार काम करेंगे पुलिसकर्मी। पुलिस अफसर हो या जवान, खाली नहीं बैठना चाहिए। डीजीपी एके सिंघल ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का टास्क सौंपा जाएगा कि उनकी योग्यता से ही उनको काम दिया गया है और इसके साथ ही वो अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वरीय स्तर पर प्रत्येक पुलिस अधिकारी और जवान को इस तरह तैयार किया जाएगा कि वो मानसिक रूप से काम करने में हमेशा तत्पर रहें। जहां हत्या, डकैती, रंगदारी की घटनाओं में इजाफा हुआ है, ऐसे थाने में कामकाज की मॉनिटरिंग करने और उन कारणों को तलाशने का टास्क IG और DIG को सौंपा गया है।
बढ़ते तापमान से आज बिहारवासी रहेंगे परेशान। बिहार में बारिश संबंधी गतिविधियां इन दिनों बदलती हुई दिख रही है, कभी बारिश तो कभी धूप, लोग परेशान हो चुके हैं। इसी बीच मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान में ये कहा गया है कि राज्य में 26 अगस्त तक सामान्य औसतन बारिश की संभावना ना के बराबर है। IMD ने 27 अगस्त को अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। पटना मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 अगस्त को पटना, बक्सर, भोजपुर, केमिर, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय जिले में वज्रपात के साथ साथ बारिश की आशंका है। डाक विभाग से 6वीं से 9वीं तक के छात्र पा सकते हैं छात्रवृत्ति। भारतीय डाकघर विभाग डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल स्पर्श छात्रवृत्ति योजना शुरू कर रही है। इसके तहत 6वीं से 9वीं कक्षा तक के छात्रों को हर साल 6000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि डाक टिकटों में उनकी रुचि और क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। वही प्रेस रिलीज कर ये जानकारी दी गई कि इच्छुक छात्र छात्राएं अपने आवेदन डाक अधीक्षक कार्यालय में 29 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। जो भी छात्र आवेदन देंगे उनको 25 सितंबर को टेस्ट देना होगा, जिसमें भूगोल, विज्ञान, खेल, सांस्कृतिक, राष्ट्रीयता पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 6वीं से लेकर के 9वीं तक के छात्रों में 10 छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की योजना है। इंटर में एडमिशन की आज है अंतिम तारीख। बिहार बोर्ड इंटर नामांकन के लिए आज अंतिम तारीख है। 25 अगस्त गुरुवार के बाद विद्यार्थी इंटर में एडमिशन नहीं करवा पाएंगे। वहीं शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी कारणवश एडमिशन में अगर बच्चे वंचित रह गए हैं तो वो OFFS सिस्टम के स्वतः अपना नाम हट जाएगा। वैसे बच्चों को आगे चलकर परेशानी होगी। हालांकि प्लस टू, हाई स्कूल और कॉलेजों में सीट खाली रह जाने पर एडमिशन से वंचित रह गए बच्चों को स्पॉट नामांकन का मौका मिलेगा। लालू यादव ने राजद के विधायकों को किया अलर्ट, दी ये सलाह। बिहार में मचे सियासी बवाल के बीच अब RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के विधायकों को सचेत किया है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने राजद विधायक दल की बैठक में अपने पार्टी के विधायकों को सचेत कर दिया है। उन्होंने भाजपा को लेकर के अपने विधायकों को सावधान किया है। उन्होंने RJD के विधायक और विधान परिषद को समझाया कि BJP हठकंडा अपनाने में माहिर है। ऐसे में राजद सुप्रीमो ने अपने पार्टी के तमाम विधायकों को कहा कि उकसावे में नहीं आए, अपनी सीट पर ही अपनी बात रखें। CBI छापेमारी पर बोले मनोज झा, डराने की कोशिश। CBI की छापेमारी को लेकर के राजद सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में हमें फ्लोर टेस्ट करना था, ठीक उसी दिन ये सब किया गया बस डराने के लिए। उन्होंने कहा कि आप इन्हें ED CBI की रेड नहीं बल्कि भाजपा की रेड कहिए, ये संगठन BJP के लिए काम करती है। मनोज झा ने आगे कहा कि BJP का यही काम है, हम बिहारी हैं, टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं। बता दें कि बीते दिन राजद के कई विधायकों के घर पर CBI की रेड हुई, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी BJP को करारा जवाब देने की बात कही थी। CBI रेड पर बोले संजय जायसवाल, नीतीश नहीं की थी शिकायत। बिहार में राजद के कई विधायक समेत लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता सुनील सिंह के घर पर भी छापेमारी हुई। इसको लेकर के बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि BJP किसी को फंसाती नहीं है। संजय जायसवाल ने कहा कि लगभग 1.5 साल पहले CM नीतीश कुमार ने खुद ही शिकायत की थी और कहा था कि पटना के विश्वकुमार भवन से करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। बता दें कि बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में ये रेड चल रहा है, जिसमें राजद के नेता के लगभग 25 ठिकानों पर CBI की छापेमारी चली। लगातार तीसरे दिन भी जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल जारी। NMCH में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर के डॉक्टर लगातार तीसरे दिन भी हड़ताल कर रहे थे। डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों के हड़ताल के कारण अस्पताल का OPD सेवा पूरी तरीके से चरमरा गया है। डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से OPD सेवा पूरी तरीके से ठप पड़ गई है, जिस वजह से मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मालूम हो कि ये लोग 2017 से ही स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। जब तक स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। सुशील मोदी ने तेजस्वी से पूछा, 23 की उम्र में कैसे बने 55 संपत्ति के मालिक। विधानसभा में तेजस्वी यादव के भाषण पर सुशील मोदी ने जुबानी हमला किया। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मूंछ नहीं था, 23 साल के उम्र में ही 55 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए।
सुशील मोदी ने कहा कि जमीन के बदले नौकरी देने वाले लोग ये कह रहे हैं कि लालू यादव के कार्यकाल में 90,000 करोड़ का फायदा हुआ है। वहीं सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब कार्रवाई राजद के दागी नेताओं के ऊपर हो रही है तब दर्द नीतीश कुमार को क्यों हो रहा है। पीएम दावेदारी पर बोले मदन मोहन झा, नीतीश नहीं राहुल है हमारे नेता। नई सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन कांग्रेस के मदन मोहन झा ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल नहीं है। कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के रहते सीएम नीतीश पद के कैसे उम्मीदवार हो सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस बिहार में भले ही नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन जब मामला पीएम पद का आता है तो कांग्रेस ही राहुल गांधी को छोड़कर दूसरा कोई भी नाम सुनने को तैयार नहीं होते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय पोलो टीम में 1957 में विश्व कप जीता था। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में मूवी देवी मंदिर के पास 2003 में हुए कार बम विस्फोट में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, 150 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पांचवी लोकसभा के सदस्य बाबूराव काले का जन्म 1926 को हुआ था। 11वीं लोकसभा के सदस्य लुईस इसराइली का जन्म 1948 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा राष्ट्रसेवी हरिभाऊ उपाध्याय का निधन 1972 को हुआ था। आज ही के दिन अभिनेता और नेता विजयकांत का जन्म 25 अगस्त 1952 को हुआ था। आफरीदी ने की भविष्यवाणी, कहा भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में कौन जीतेगा। पाकिस्तान क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने आगामी एशिया कप में होने वाले बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। आफरीदी ने मैच के विजेता को लेकर के भविष्यवाणी की है। दरअसल शाहिद आफरीदी ने ट्विटर पर फैंस के सवालों का जवाब दे रहे थे। एक फैन ने उनसे भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के विजेता का नाम पूछा। फैन ने आफरीदी से पूछा कि पाकिस्तान बनाम भारत मैच में कौन सी टीम मजबूत होगी, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। आफरीदी ने जवाब दिया, इस पर निर्भर करता है कि कौन सबसे कम गलतियां करता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे पत्रकारों पर FIR दर्ज करने के दावे के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। इसी कड़ी में एक वायरल खबर में ये कहा गया कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा है कि देश भर के फर्जी पत्रकारों के खिलाफ FIR होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। PIB फैक्ट चेक के द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया कि ये दावा बिल्कुल गलत है। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। मेटा ने इंस्टाग्राम रील और फेसबुक को लेकर के दी खुशखबरी। मेटा के स्वामित्व वाला पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है और अपने यूजर्स के लिए ऐप को इंटरेस्टिंग बनाता रहता है। इसी बीच उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से इंस्टाग्राम ने एक घोषणा की है। वो रील्स के लिए नए फीचर और अपडेट को रोल आउट कर रहा है, जिसमें इंस्टाग्राम से फेसबुक पर क्रॉस पोस्टिंग भी शामिल होगी। दरअसल एडम मोसरी ने पोस्ट किए गए वीडियो में कैप्शन दिया है कि हम कुछ नए रील्स फीचर लॉन्च कर रहे हैं ताकि लोगों को इसे खोजने में आसानी हो और अधिक मनोरंजक कॉन्टेंट शेयर किया जा सके। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जवाब दिया था। जिन्होंने भी हमें जवाब दिया उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: राजीव कुमार, नुनू कुमार, सलीम अली, धीरज सिंह, विनोद कुमार मांझी, अतीक खान, शशि भूषण, प्रीतम सिंह, मधुलता, पवन कुमार पंडित, विजय कुमार राम, विकास कुमार, अंकिता राय, राकेश सिंह। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि महागठबंधन की सरकार से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहरहाल आप तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लें।